हेलो एवरीवन, चलो स्टार्ट करते हैं। मैंने इन शूज़ पे ना $10,000 स्पेंड करे हैं। सिलिकल, सिर्फ तुम जैसा ही कोई बिलीव करेगा कि ये ना $10 मिलियंस कॉस्ट, मतलब इनके पैसे हैं। क्या जी जी तुम्हें यहाँ लेकर आया? यस, ये मुझे यहाँ लेकर आया, अब मुझे जाने दो। मैं कब से इसके वर्ड्स पे बिलीव करना शुरू कर दिया? तुमने उसे जीजन बोला, इतना इंटीमेट, क्या उसे ये नहीं पता कि तुम मेरी औरत हो? एम्पायर गार्डन ना मेरे साथ आ जाओ, तो वापस आ जाओ। मैं ना तुम्हारा टेस्ट ना कुछ दिनों से मिस कर रहा हूँ। नहीं, ये इतना समय नहीं हुआ है। लास्ट टाइम मुझे याद है ये तुम्हारे ऑफिस में था। बेमिंग ये, इसने जानबूझ के करा। मैं सोच रही हूँ कि मुझी ने क्या हमारी बातें सुन ली थी अभी, बट ये ऑलरेडी जानता है बेमिंग और मेरे बीच के रिलेशनशिप के बारे में। क्या तुम अपने हाथ मेरे गर्लफ्रेंड की कमर पे से हटाओगे? गर्लफ्रेंड? इसने कहा कि तुम उसकी गर्लफ्रेंड हो। 2 दिन पहले तुम मेरी बाहों में थी, अब तुम किसी और की गर्लफ्रेंड हो? ये बहुत हो गया। अगर तुम चाहते हो कि हम अच्छे टर्म्स में रहें, तो फिर मेरी औरत को टच मत करो। अगर तुम इसे अपनी औरत की तरह ट्रीट करते हो तो क्या तुम ठीक हो? फाइन, मैं आऊँगा, तुम्हें बाद में लेकर जाऊँगा, और फिर हम डायरेक्ट एम्पायर गार्डन चलेंगे एक साथ। वो तुम्हारे साथ आज नहीं जाएगी। ओ माई गॉड, जो दोनों है ना ऑलमोस्ट फाइट कर ही रहे थे इस औरत के पीछे, अब फक है ना, ये तो कल वायरल चली जाएगी। ये मुझे आज रात एम्पायर गार्डन लेकर जा रहा है, क्योंकि अब इसका दिमाग ख़राब हो चुका है। ये क्या करेगा मुझे टॉर्चर करने के लिए? डरो मत, मैं तुम्हें हटने होने दूंगा, मुझे फॉलो करो। हम बाहर क्यों आ रहे हैं? वेल, कुछ एक्सरसाइज के लिए, ताकि तुम ये जो अभी ये सब चीज़ें होती ना, ये सब भूल जाओ। वेल, तुम्हारी बॉडी ना बहुत वीक है, चलो ऐसे चलते रहते हैं। तुम्हें ना ऐसा मूव करना अचानक से रोकना नहीं चाहिए। ओह सॉरी, तुम क्यों माफ़ी मांग रही हो? मैं इच्छा करती थी कि कोई मुझे प्रोटेक्ट करेगा बेमिंगे से, बट अब ये क्लियर हो चुका है मेरे लिए, कोई भी मुझे इस एबिस से निकाल नहीं सकता, तुम भी नहीं। मैं कर सकता हूँ कोको, मुझे एक चांस दो करने के लिए, मुझे जाने दो। मुझे ना इससे दूर रहना पड़ेगा, कोई भी बेमिंगे के साथ कम्पीट नहीं कर सकता, मुझे इसे मुसीबत में नहीं डालना। मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ कोको, मैं सच में कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा बॉयफ्रेंड बनने दो, और फिर मैं उसके साथ बिल्कुल फेयर कॉम्पिटिशन में कम्पीट करूँगा। आई लव यू, मेरी गर्लफ्रेंड बन जाओ तुम, मुझे जीजन बोलो, मुझे जीजन, तुम जीजन शांत हो जाओ, मुझे जाने दो। सॉरी, अभी मैं थोड़ा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, मैंने जो कहा ना, मैं सच में उसका मतलब यही है। क्या तुम मुझ पर ट्रस्ट करोगे? मुझे एक चांस दे दो। ओह, मुझे फ्रस्ट्रेटेड फील हो रहा है, मेरे पास कोई आइडिया नहीं है कि ये ट्रस्टफुल है या नहीं है। अपना समय लो, हमें वापस जाना चाहिए अब। अगर मैं चूज़ करती हूँ इस पर बिलीव करने के लिए, और अगर मुझे फिर से ट्रिक कर दिया गया, मैं कभी भी किसी आदमी में दोबारा बिलीव नहीं करूँगी। अगर ऐसा ही है तो भी बेटर है कि मैं अपनी होप्स रखूँ ही ना। हैप्पी बर्थडे मिशन, ये ना कस्टम मेड डायमंड नेकलेस है आपके लिए, मेरा प्रेजेंट है ना आपके लिए, गाउन है जो कि गोल्डन सिल्क से बना हुआ है। यह सही थी, जितने भी प्रेजेंट्स हैं यहाँ पे वो इनवैल्यूएबल हैं। ये टाइम है केक को काटने का, चलो वहाँ पर चलते हैं। हाँ, ये क्या है? कोको, तुम यहाँ आ गई, ये कौन है? मैं श्योर ने इसे इन्वाइट क्यों करा? मेरे पास कोई आइडिया नहीं है ये कौन है। श्योर कोको को कैसे जानती है? या तुम नंगजोंग श्योर हो? नंगजोंग फैमिली की बेटी? ये कभी सीक्रेट नहीं था, तुमने कभी पूछा ही नहीं इसके बारे में। कोको, मैं थक चुका हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करो केक काटने में। ग्रैंडपा कोको मेरी फ्रेंड है, मैंने इससे बोला है केक काटेगी, ओके? प्लीज़ उनकी मदद करे इसके साथ, थैंक यू। श्योर, ये यहाँ कब आया? या आया ना थोड़ी मिशीवियस है, प्लीज़ अपने दिल पर मत लीजिए। ऑफकोर्स नॉट, ये एक हारमोनिका है जो मैं चाहती थी। कज़न, ये फर्स्ट टाइम है कि तुमने मुझे डिसअपॉइंटेड नहीं करा है। क्या तुम्हारा मतलब है कि हमने तुम्हें पहले डिसअपॉइंट करा है? ऑफकोर्स नॉट, मुझे वो सारे प्रेजेंट पसंद है जो तुमने मुझे दिए हैं, मैं सच में उन्हें पसंद करती हूँ, बट मेरे पास अभी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है, तो मैं कैसे कार चला सकती हूँ? क्या तुम्हारे पास अब न्यू फ्रेंड नहीं है? आई कैसे ड्राइव कर सकती है? उसे लेकर जाओ अपने साथ राइड करने के लिए जब तुम चाहो। तुम कुछ ज़्यादा इस ब्यूटी के बारे में नहीं सोच रहे?
क्या तुम उसे अभी तक लिख पाए? ये कब हुआ था? क्या जब था जब तुम हॉस्पिटल में थे? उसे इग्नोर करो, वो सच में सिली है। हमने ऐसी चीज़ नहीं करी। शांत हो जाओ, डरो मत। इसके पास कोई भी हक नहीं है हमारी ज़िंदगी के अंदर दखलंदाजी करने का। ये अभी भी इतनी नेवा है, जल्द ही तुम्हें पता लग जाएगा कि मेरे पास हक है तुम्हें कंट्रोल करने का या नहीं। कोको चलो मेरे रूम में चलते हैं और आराम करते हैं। तुम लिटिल गर्ल, तुम मुझे इसके बारे में कैसे नहीं बता सकती? तुम्हारी फैमिली शायद डाउट करेगी कि मैं तुम्हारे एडवांटेज ले रही हूँ। क्या तुम्हारे पास कोई फ्रेंड्स है? मेरे पास एक है, बट मैंने उसे ना नहीं देखा जब से वो ग्रैंड मीटिंग में गई थी मटेरियल आर्ट्स के उसके फादर के साथ। अब मेरे पास तुम हो कोको, मैं अपनी फैमिली को एक्सप्लेन कर दूँगी। ये ने कहा था सीन्स, क्योंकि मैं अपनी कार अभी ड्राइव नहीं कर सकती जो उसने मुझे दी था, तो तुम उसे यूज़ कर सकती हो, बट तुम्हें ना मुझे राइड के लिए लेकर जाना होगा। मेरे पास भी ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है बाय द वे। और तुमने उसे बिग ब्रदर ये क्यों बोला? वो ना बड़ा बेटा है विंग विंग फैमिली का, और उसके अलावा यहाँ पे शुलनिशान है और दायदा है। मेरे ऊपर से उतरो, तुम बहुत हैवी हो। ये जो लड़की थी ना ऑफिस में यूफाफेन के साथ, वो विंग दायदा ही थी। क्या मैं हैवी हूँ? मैं केयर नहीं करती। तुम्हारी जो स्मेल है ना मेरी मॉम की तरह कोको, मैं सच में से बहुत पसंद करती हूँ। ये इतनी खुश बहुत समय से नहीं थी। चलो ना डिस्टर्ब नहीं करते हैं। कोको तुम मेरे भाई से शादी क्यों नहीं कर लेती? अगर तुम मेरे सिस्टर इन लॉ बन जाओगे ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगी। ये सिर्फ एक बच्ची है, मेरे से कुछ लेना देना नहीं है। बट अफवाह कहती हैं कि तुम उसे पसंद करते हो। मैं मिंजी को तुमसे दूर नहीं लेकर जा सकता फोर्स से भी। बिसाइड कौन जाने के शोर से जान मुझके मिली थी या फिर एक कोइंसिडेंस था। तुम बहुत वाइज हो कि तुम जानते हो तुम्हारी जगह क्या है। ओ तेरी की बेमिंग, ये तो कच्चा चबा जाएगा। ये तुम अंदर क्यों नहीं आ रहे? क्या तुम ऐसे कपड़े पहन रही थी उस आदमी से मिलने से पहले? ओ तेरी की नहीं। ओ ये मेरे कपड़े फाड़ने की कोशिश नहीं करा था, बट ये चाहता था मुझे कवर करना। मुझे मारा है? नहीं, मैं ये कोको है ना सिर्फ तुम्हारे साथ जोक कर रही थी। मैं हूँ जो जोक कर रहा था, वो ना शायद मच्छर को मार रही होगी मेरे लिए। ये बिल्कुल भी जोक की तरह नहीं लग रहा। इसकी जो स्माइल है ना ये साफ साफ बता रही है। ये श्योर तुम्हारा ग्रैंड पे आना तुम्हें ढूंढ रहा। चलो चलते हैं। ये तुम्हें कोको को से ना फाइट नहीं करनी चाहिए, वो मेरी फ्रेंड है। ब्रदर भाई क्या तुम जान बुझ के मुझे यहाँ से लेकर जा रहे हो ताकि ये कोको से फाइट कर सके? ऑफकोर्स नॉट ब्रदर भाई, मैं विश करती हूँ कि कोको ना मेरी बड़ी सिस्टर इन लॉ बन जाए। मैंने तुम्हें बोला था कि मैं कभी भी शादी नहीं करूँगा और कभी भी बच्चे नहीं करूँगा। ये इम्पॉसिबल है, सबको एक बार शादी करनी होती है जब वो बड़े हो जाते हैं और उनकी खुद की फैमिली स्टार्ट करनी होती है। इतने नेवा मत बनो, तुम्हें सीखना होगा बड़ा कैसे होता है। किड्डो मैं ना 11 साल बड़ा हूँ तुमसे। अगर मैं हमेशा सिंगल रहूँगा ना तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा। क्या ग्रेट नहीं है? मैं केयर नहीं करती। मैं ब्लेम करूँगी तुम्हें अगर कोको को उसने परेशान करा तो। खड़ी हो जाओ और मेरे साथ एम्पायर गार्डन चलो। मैं वहाँ जाना नहीं चाहती। मैं ऐसे दूसरी अपॉर्चुनिटी नहीं दे सकती मुझे इंसल्ट करने के लिए। मैं बेटर डिजर्व करती हूँ। नहीं, तुम्हें नतीजे पता होने चाहिए मुझे मना करने के। मुझे धमकाओ मत उन नतीजे के साथ। अब अगर मुझे पैसे है ना किसी और से भी बोरो करने पड़ेंगे, जो कर्जा है ना मैंने तुमसे लिया है मैं उसे वापस दे दूँगी। मुझे परेशान करना बंद करो जैसा तुम चाहो, और मैं कभी भी तुम्हें मेरी प्राइड के ऊपर कुचलने नहीं दूंगी। तुम ना किसी औरतों के साथ कुछ भी करो उससे मेरा कुछ लेना देना नहीं है। मुझे अपने रिलेशनशिप के साथ डील करने से ना अपने रिलेशनशिप को मेरे से डील करने से बंद करो। वेल तुम ऐसे बातें कर रही हो जैसे कि तुम जैलस हो। जैलस? मैं ना तुमसे भाग जाती अगर मैं जा पाती तो। मैं कोई पागल नहीं हूँ। क्या तुम श्योर हो तुम नहीं हो? मुझे नीचे उतारो, मैंने तुम्हें बोला है मैं तुम्हें वापस पे कर दूँगी। $2 billion तुम मुझे कैसे पे करोगी? क्या तुम मुजियान से मदद के लिए मांगोगी? ये और मुजियान ना कुछ दिनों से मतलब एक साथ ही हैं। ये पॉसिबली क्या कर रहे थे? ये हमेशा मुझे क्यों परेशान करता है? ये इतना शर्मिशी एक्ट क्यों कर रहा है? मैं इसका अंगूठा काट रही हूँ इतना हार्ड और ये अभी भी मुझे परेशान कर रहा है। क्या तुमने क्यों बंद करा? तुम तो बदला चाहती थी फिर भी तुम्हारे पास कोई करेज ही नहीं है। तुम ना पैदा ही इसलिए हुए ताकि तुम्हें लोग परेशान कर सके। ये तुम्हारा कंसर्न नहीं है। मुझे नीचे उतारो, मैं तुम्हें मुझे ऐसी परेशान नहीं करने दूंगी जैसे तुम करते हो। मुझे जाने दो। वाल तुम सच में ऐसा लगता है तुम गुस्सा हो? नॉक नॉक।
श्योर क्या कोको तुम्हारे रूम में है? श्योर क्या मिंजी केक तुम्हारे रूम में? ये लेट हो रहा है, मुझे उसे वापस भेजना होगा स्कूल ताकि वो सो पाए। मुझे श्योर के रूम में जाना नहीं चाहिए बिना बताए। मैं सिर्फ श्योर करना चाहता था कि कोको को ये ना लेकर गया हो। इसकी हिम्मत कैसे ही करने की? क्या होगा अगर मुजीजिन यहाँ आ जाता है तो? अंदर आ जात, मैं श्योर के रूम में रहूँगी। यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं तुम्हारा मेरे इंतज़ार करने की। बट तुम पहले जा सकते हो, याना ने कहा था कि ड्राइवर है ना मुझे वापस भेज देगा। तुम्हें मेरे इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। क्या इतने क्लोज हैं कि एक साथ बेड पे सो पाए? तुम छुट्टी लाया, तुम जाओ, मैं याना के साथ बातें करना चाहती हूँ। अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारे नीचे इंतज़ार करूँगा। नीचे आ जाना जब वो सो जाएगी, मैं तुम्हें वापस भेज दूँगा। श्योर है ना बहुत बैड मूड में और बहुत हार्ड टाइम होता है कि वो दूसरों के साथ घुल मिल पाए। शायद ना मुझे उनको दखलंदाजी नहीं करनी चाहिए। ओके, अब वो चला गया, अब तुम जितना चाहो उतना चिल्ला सकती हो। पास्टर मुझे जाने दो, मैं तुमसे भीख मांग रही हूँ, यहाँ ऐसा मत करो। क्या तुम बैकयार्ड गई थी मुजीन के साथ? एक अंधा इंसान में ना ये देख सकता है कि तुम्हारे दोनों के बीच में ना कुछ चल रहा है। क्या इनका रिलेशनशिप उस लेवल तक ऑलरेडी प्रोग्रेस कर चुका है? क्या तुमने हक करा, गले लगाया, और या फिर तुमने किस करा, और या फिर कुछ और इंटीमेट चीज़ें? नहीं, वो सिर्फ चिंता कर रहा था कि मुझे ठंड लग जाएगी तो वो मुझे लेकर गया भागने के लिए। भागने के लिए? तुम्हारी ये इतनी कमज़ोर बॉडी कब तक भाग सकती है? क्या तुम मुझे पागल बना रही हो? नहीं, ऑफ कोर्स नॉट। और उसके बाद हमने थोड़ी बात करी, उसने मुझे हक करा, ये सिर्फ एक हक था, ऑनेस्टली सिर्फ एक हक। क्या तुम उसके साथ जाना चाहती हो? क्या उसने सच तुम्हारे साथ कुछ करा? वो उस रात जिस दिन तुम गुस्सा कर रहे थे ना, वो मुजीन की वजह से था। तुम उससे जैलिस थे, तुमने एब्सोल्युटली सब कुछ देख लिया। उसने कुछ भी नहीं करा था सिर्फ हक करने के अलावा, और ये तुम हमारे कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं है, तो प्लीज़ मुझसे ऐसे पंगे मत लो। ये ऐसा रिएक्शन क्यों कर रहा है? इसके पास हिम्मत है मुझसे वापस बात करने की? मैंने कब तुम्हें मुसीबत में डाला? क्या तुम मुझे जाने दोगे जब मैं तुम्हारा कर्ज़ उतार दूँगी? मैं तुम्हें जाने दूंगा जब तुम मेरा कर्ज वापस दे दोगे। आ जात, मेरे साथ आओ एम्पायर गार्डन। मुझे कभी भी किसी ने मना नहीं करा। ये यहाँ कार को ना पीछे ड्राइव करके लेकर आओ। मुझे कभी भी एम्पायर गार्डन इसके साथ वापस नहीं जाना चाहिए। सिंस तुम मुझे फॉलो नहीं करोगे, ऐसा लगता है कि मैं तुम्हें कुछ ज़्यादा ही नाइसली ट्रीट कर रहा था। मैं ना अभी तक कोको के साथ नहीं थी, वो ना ये के साथ ही घूम रही है। सुनो, क्या तुम सुन सकती हो बाहर कौन है? बाहर जाओ, जैसा चाहे तुम करो। नहीं मैं यहाँ को मुझे ऐसे नहीं देखने दे सकती। मैं तुम्हारे साथ एम्पायर गार्डन जाऊँगी। क्या तुम जाओगी? मैं जाऊँगी। बेमिंग है ना सच में बास्टर्ड है। तुम्हें मुझे मेरी मदद करनी होगी। याया मुझे ऐसे नहीं देख सकती। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? ओह नो, क्या तुम? डैम इट, ये बंद है। कोको क्या तुम वहाँ हो? हम मर जाएंगे अगर हम इतनी हाइट से कूदे तो। मुझे अभी भी नहीं पता क्यों, बट मैं अभी भी होप करती हूँ कि हम बच जाएं इस डिलेमा से। कसके से पकड़ो वो। इतनी हाई लेवल से जंप करा है, हम सेफ हैं, तुम अपनी आंखें खोल सकती हो। इतनी हाइट से कूदने के बावजूद हम पे कोई इंजरीज नहीं आए, इसने ऐसा कैसे करा? क्या है कि तुमने फाइनली रियलाइज़ करा तुम्हारे आदमी किस चीज़ का कैपेबल है? इन द एंड मैं इससे भाग नहीं सकती। ये बहुत अट्रैक्टिव है, मुझे ना अपना डिज़ायर रोकना नहीं चाहिए था। ये यंग कार से उतरो और कुछ ख़रीदने जाओ। हम ना टाउन के बीच में, यहाँ पे कोई भी स्टोर नहीं है, भूल जाओ, कुछ ताज़ा हवाई खा लो। नहीं बेमिंग, ये मैं अपना फ़ोन ना यहाँ एक रूम में छोड़ दिया। अगर मुझे मुझे ढूंढ नहीं पाया कि वो मेरे बारे में चिंता करेगा? बेमिंग ये ने मेरे साथ अभी करा है और मैं ऑलरेडी दूसरे आदमी के बारे में सोच रही हूँ। मैं एक टेरेबल इंसान हूँ। सर मुजिन यहाँ पर है, ये हमें फॉलो कर पाया यहाँ तक। क्या तुमने उन्हें यहाँ आने के लिए बोला? क्या तुम जानबूझ के कर रहे हो? कोको को वापस दो, उसने कुछ भी नहीं पहन रखा। अगर तुम उसे देखना चाहते हो मैं माइंड नहीं करूँगा इसे अनकवर करने के लिए। तुम डिफरेंट हो पहले से मैन। अगर तुम सच में उसे पसंद करते हो तो तुम्हें उसे ऐसे मैनर में हमें नहीं दिखाना चाहिए था। फादर नहीं चाहते कि उनके पास वैसे लोग हों जो मुसीबत खड़े करें। तुम्हारे पास इतना करेज भी नहीं है कि तुम फेफेन को उनके पास लेकर जाओ। क्या तुम डरते नहीं हो कि तुम्हारे फादर
इससे पंगा लेंगे, मतलब इसकी ज़िंदगी ख़राब कर देंगे, तुम्हारा क्या पॉइंट है? मैं ना प्रॉपरली थक जाऊँगा इससे कि इससे पहले मेरे फादर स्टार्ट करें इससे कुछ पंगे लेना। क्या होगा इसके साथ, वो मेरा बिजनेस नहीं होगा जब। तुम बहुत कोल्ड हो, सिंस तुम इसे जानती नहीं हो कि इसको कैसे ट्रेजर करें, फिर मुझे करने दो। मैं $2 बिलियन थे ना जिसके थे, वो मैं पे कर दूंगा तुम्हें। इसने कहा कि वो ना तुम्हें ख़रीदने वाला है $2 बिलियन से। खड़े हो जाओ, मतलब जाग जाओ और देखो ये इंसान कौन है। मोजियंत ना पे करना चाहते तुम्हारे लिए, तुम्हें क्या लगता है इसके बारे में? तुम्हें चांस देता हूँ डिसीजन करने के लिए। मैं नहीं चाहती कोई मुझे खरीदे। चलो इसे ऐसे ही रखते हैं, मेरे पास हिम्मत नहीं है मना करने की। बेमिंग एक मॉन्स्टर है, मैं जीजियन को मेरे साथ एबिस में नहीं घुसने दे सकती। क्या तुमने सुना इसने क्या कहा? वो तुम्हारे साथ नहीं जाना चाहती, तो तुम अब जा सकते हो। बेमिंग ये है, ऐसे लगता है कि तुमने मुझे मेरे पूरे नाम से कभी नहीं कॉल करा। कोको मैं सीरियस हूँ, मैं इसे पे कर सकता हूँ तुम्हारे लिए और तुम्हें यहाँ इसे छुड़वा सकता हूँ। मैं जाना नहीं चाहती, यहाँ मुझे दोबारा देखने मत आना। यहाँ पे कुछ भी नहीं चल रहा हम दोनों के बीच में। कोको तुम खुश नहीं रह सकते अगर तुम उसके साथ रहोगी, तुम किसी भी मोमेंट पे मारी जा सकती हो। कोको मुझे सैड के फील हो रहा है, मेरे को तो कोई होप्स ही नहीं रखनी चाहिए थी फर्स्ट प्लेस पे, वरना मैं इतनी डेस्परेट नहीं होती। अब सैड हो क्या तुम उससे प्यार करने लगी? हेलो एवरीवन, ये वाला ट्रांसलेशन यहीं तक है। आई होप आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्यारे प्यारे कमेंट करना ना भूलना। थैंक यू।